क्या बात है, बहुत हंस रही हो छोटी। नहीं देखो ना क्या स्टेटस डाला है, सास को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बराबर, हमारी सास में बहुत अच्छी है पर। हाँ वो तो है, माँ बहुत स्वीट है। वैसे कल क्या जानदार शानदार परफॉर्मेंस किया तुमने, सबको हिला के रख दिया। मैंने तो कह रड़ाया पर आपने मेरा नाक काट दिया। थोड़ा सा स्टेप करते जीत जाते हम। शर्मिला क्या कुछ भी बोलती हो। वैसे आज टिफिन में क्या है? आलू की सब्जी। फिर से आलू? अभी कुछ नहीं था तो कर दिया, लेके जाइए ना। ठीक है जाता हूँ लेके। हाँ बोल। नहीं नहीं खाना हो गया मेरा, तेरा हो गया? शर्मिला हाँ इधर तो आओ, जरा टाई बांध के दो। अभी नहीं, अभी बिजी हूँ मैं, आप बांध लीजिए। नहीं टाई बांधने के लिए बोल रहे, अभी तक टाई बांधना नहीं आता। प्रसाद बांधता है, इनको कुछ नहीं आता। हाँ तभी बोलू इतना बिजी क्यों है। माँ क्या टोपी दी है मेरे दोस्त ने। माँ हाँ बेटा टाई बांध के दो ना। तूने शादी क्यों की? मुझे शर्मिला से प्यार हो गया था। तो अपने प्यारे पंछी को बोल बांध के दे मेरा टाई, थक गई मैं तुम लोगों का कर करके। अब लाइए ना करके वो, उसके पास जाओ। क्या माँ अब मेरी शादी हो गई तो मैं आपका कुछ नहीं लगता? बस इमोशनल ड्रामा मत कर, उधर जा। ललिता वो अपनी बहन से बात कर रही है। उसका एक बहन का कॉल, जब देखो तब अपनी बहन के साथ बात करती रहती है। अरे उसकी अकेले की बहन है क्या? उसकी अकेले की बहन है? आई मीन बाकी लोगों की भी बहनें होती है, वो ऐसा 8-8 घंटे बात करती है। तुम्हारी बहन है? नहीं। तो तुमको बहनों बहनों का प्यार नहीं पता, शांत बैठो। अच्छा आपकी बहन आपको क्यों नहीं करती कॉल? तुम्हारी वजह से। मारिए टोक दे, मारिए बस। नहीं दीदी का कॉल नहीं आया। शर्मिला क्या है? पहले ये टाई बांध के दो मुझे। कुछ काम की नहीं है, एक मिनट। हम हाँ कौन सा वाला बर्तन चुरा है मैंने? वो बर्तन मैंने चुराया ही नहीं। दीदी कितना झूठ बोलेगी। माँ ने रखा था मैंने ले लिया, उसको चुराना कहते हैं। दीदी का ज्यादा ही हो रहा है। हेलो बोलो। फोन मेरा, बहन का कॉल है। बांध लिया टाइम? हाँ ठीक नहीं दिख रहा, फोन पे बात कर रही थी ना। निकाल दे टाई, क्यों पहन रहा है वैसे भी? नहीं निकाल सकता माँ, आज के दिन कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है? वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो हमारी कंपनी का इम्प्रेशन पड़ना चाहिए इसलिए। मीटिंग? बस मीटिंग के दिन अच्छे दिखो, वैसे तो दौड़ते हो पागल घोड़ो। अरे क्या कुछ भी बोलते हो। अरे चुप बाऊ, इसको सुनाई नहीं देगा। ए बाऊ क्या है? क्या हुआ था माँ? चाय रख मेरे लिए गर्मा गर्म, और तेरे बच्चे उठेंगे ना उनके लिए पानी रख। पानी अभी ठीक है मैं रख देती हूँ। वो बहन का जरा बुड ससमा थी। हाँ रोज 9 बजे उठती है वो, कभी कभी 10 बज जाते, रोज का ही है। जाके देखिए गुल्लू 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 गप्पे मार रही है। भाई तू उन लोगों में से है जो हर जगह अपनी राय देने पहुंचता है, बस ज्ञान बांटना आता है तुझे और कुछ नहीं। ज्ञान है तो मैं वेस्ट क्यों करूं? हाँ आई नो तेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें कमेंट्री करनी है, आज इंडिया जीतेगा कि नहीं, रोहित 50 मारेगा कि नहीं। तो ऐसा ज्ञान प्रभु पे देना। प्रभु ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू ज्ञान बांट सकता है और तो और इससे प्रॉफिट भी कमा सकता है, बस अपना ओपिनियन दे के। मान ले तेरा इंटरेस्ट जो भी है, क्रिकेट फाइनेंस यूट्यूब यहाँ तक मौसम भी, तुमको बस यस या नो में जवाब देना है, और अगर जवाब सही निकला तो तुम्हें मिलेंगे पैसे। ट्रस्टेड है ना ये? भाई एकदम ट्रस्टेड है, 60 लाख से भी ज्यादा लोग खेलते हैं और अपना ओपिनियन देके पैसे कमाते हैं। ये सब तो ठीक है पर इसे यूज कैसे करें? भाई बहुत आसान है, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ और सिखाता हूँ उसके ऊपर अपना ओपिनियन कैसे दे। इंडिया टू विन द एशिया ट्रॉफी 2022, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और अपना बदला ले लिया, क्या इस बार वो हांगकांग को हरा पाएगा?
इंडिया ने तो पहले मैच में ही धमाका कर दिया है और इस बार की टीम भी काफी अच्छी है। हम इस बार ट्रॉफी लेंगे पक्का, तू यस कर दे। और अगर तुम अपने ओपिनियन पे श्योर हो तुम इसमें अमाउंट बढ़ा भी सकते हो भाई। पर ये पैसे जितने के बाद वापस कैसे लें? पैसे ऐड करना और निकालना बहुत आसान है, तुम गूगल पे पेटीएम किसी के भी थ्रू अपने पैसे निकाल सकते हो भाई। क्या जबरदस्त ऐप बताए, अब मैं मेरा ओपिनियन वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आप भी अभी जाओ और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड करो प्रोबो। अगर आपने मेरी दी हुई लिंक से डाउनलोड किया तो आपको मिलेंगे अप टू 15 रुपीज। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। अरे मैं बोलती हूँ इतना ही प्यारा था माइका, तो क्यों आई ससुराल फोन पे बात करने के लिए? ले लो माइक, ले लो दो। नहीं आप माइक दो ही मुझे, आज मैं बोलती हूँ। तुमसे बात करना ही बेकार है, जा रहा हूँ मैं मंदिर। सुन भाई बात, अभी तेरे पापा को पता चलेगा कैसी फोन पे बात करती है। हम सबका झूठा लगता है ना उनको, अपनी बहू पे बहुत विश्वास। सुन भाई। ससुर जी क्या हुआ? मैं मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है ससुर जी, आप किए ना स्टाप आने कुछ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ललिता को दो चाय करके। आराम से जाना, ज्यादा जल्दी मत करना, आराम से आना। हाँ आराम से आऊंगा। दिन रात फोन पे बातें करती रहती है, जैसे ही ससुर जी दिखते हैं इतनी मीठी बन जाती है। ससुर जी ससुर जी ससुर जी। और वो ससुर जी भी करते सिंबई सिंबई सिंबई, दोनों के बीच में मुझे पीस देते ऐसे। मंदिर नहीं गए आप? जाता हूँ जाता हूँ। वो क्या बैठा है, चल निकल ऑफिस। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है यहाँ पे बहुत बारिश की वजह से। हाँ मम्मी पानी गर्म कर दिया। क्या है, माँ को सुख चैन से बहन के साथ बात भी करने मत दो तुम। दीदी का भी था लफड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ वो तो मेरा सबके सामने आ गया ना, क्योंकि मेरा खुलेआम था, मैं जो भी करती थी खुलेआम करती थी, तो सबके नजरों में आ गई मैं। जाने दो, तंग आ गई हूँ मैं इसके फोन कॉल से। देख वैसे मेरा और दीदी का कुछ नहीं, हमारी शादी में उसने कितना बड़ा तमाशा किया था, फिर भी मैंने उसको कुछ बोला। पता नहीं ऐसी क्या बातें करती है। अरे एक ही टॉपिक पे हजार बार बात करती है। नहीं बहुत हुआ, मैं भी इसकी सास हूँ, अभी इसका फोन कॉल बंद करती हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ हो? हाँ कैसे? अभी देखो। हेलो गंगू बेटा, आज काम पे मत आओ, तेरी छुट्टी। हाँ मेरी तरफ से रख ले। एक मिनट है, बुढ़िया कुछ बोल रही है। आ गई पुष्पराज आ गई। क्या हुआ? गंगू भाई आज काम पे नहीं आ रही, वो त्योहार है ना, छुट्टी ले ली उसने। सारा घर का काम तुझे करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं करती हूँ सारा काम। हाँ मम्मी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ दादी मम्मी तो एकदम नॉर्मल है, उसको फोन तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे करेगी। देख के आती हूँ मैं। तुझे पता है वो मेरी पिंक वाली साड़ी माने दी थी, वो चुराई ना, मैंने कुछ बोला? नहीं नहीं मेरी आदत ही नहीं ना, मैं शांत स्वभाव की हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती। किसी मिट्टी की बनी है ये औरत, मेरा पहले से ही नहीं है वैसा स्वभाव। हाँ अगर मेरी जगह पे दीदी होती ना, हो छोड़ ना, किसी की बुराई करके क्या फायदा है, पर दीदी का स्वभाव है घटिया, मैं साफ साफ है वो, और बुराई भी नहीं ना वो सच्चाई है, हम उसके बारे में बुरा थोड़ी बोल रहे, जो है वो सच है। दीदी दीदी करके दीदी की खाल निकाल दी। नहीं बर्तन कर रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? अच्छा तुम भी बर्तन कर रही हो, सक्सेसफुल हो गया? बर्तन वाला तो फ्लॉप हो गया, अभी देखती हूँ कपड़े कैसे धोती है। नहीं वो काम वाली नहीं आई ना, काम वाली ने छुट्टी मारी आज। जाने दो अभी क्या है, त्योहार है तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, ये तो बोलने के लिए तो बहुत है, पर बोल के क्या करे, त्योहारों का टाइम है। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ नहीं कच्ची दूरी हो सबके।